हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज ए मोटर बोट इज टू रीच एट ए पॉइंट 30 डिग्री अप स्ट्रीम ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर फॉलोइंग विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5√3 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर शुड स्टीयर द बोट एट एन एंगल। ये अपने पास ऑप्शंस हैं, 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ऑफ द बैंक, एंड 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम डायरेक्शन, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। पहले अपन की कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये रिवर बोट वाली जो प्रॉब्लम है उसका की कॉन्सेप्ट मेनली क्या होता है वो अपने को समझना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ये रिवर बोट वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अपन को थोड़ा सा ऐसे एक रिवर दे रखी है, और ये रिवर का वो लाइन है जो शॉर्टेस्ट पाथ बनाता है जिसको आप डेप्थ ऑफ द रिवर भी कहते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मुझे क्या करना चाहिए, इस बोट को मुझे यहाँ से स्टीयर करना चाहिए। कुछ भी एंगल मान लीजिए, ये बोट को मैंने इस पॉइंट से क्या करना है, स्टीयर करना है। ये पॉइंट मान लीजिए स्टीयर किया, थीटा एंगल से स्टीयर किया और ये यहाँ पहुंचा। ये इसका कौन सा पॉइंट हो गया, डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, इस पे इसको पहुंचना है, ठीक है ना। ये डेस्टिनेशन पॉइंट दे रखा है, ये आपसे डेस्टिनेशन पॉइंट दे रखा है। अब अपन यहाँ ये वाला जो कंपोनेंट है इसको अपन रिवर वेलोसिटी कहते हैं, जहाँ इसको वाटर वेलोसिटी कहा है वैसे अपन इसको क्या कह देते हैं, इसको रिवर वेलोसिटी कह देते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये अपना वो वेलोसिटी होगा जो विद रिस्पेक्ट टू वाटर आएगा, तो अपन इसको क्या कह देंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये अपना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कौन सा लो यहाँ अप्लीकेबल है, अगर आप इसको अच्छे से देखें, ये टेल, ये हेड, अगेन टेल, और ये क्या है, हेड, और यहाँ पे क्या है आपका, तो ये वेक्टर ट्रायंगल लो लग रहा है क्या भाई। इसके लिए आप क्या कहोगे, BBR वेक्टर प्लस VR वेक्टर एंड इज इक्वल्स टू VB वेक्टर, बोट का वेलोसिटी। ये वाला इसमें लगेगा एक ऐसे ट्रायंगल की तरह काम करेगा, ऐसे ट्रायंगल की तरह। अब अपन क्वेश्चन के अंदर आते हैं, क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के लिए आपको देखना पड़ेगा, पहले ये वाला जो डायग्राम दे रखा है इसको रीड्रॉ करते हैं एक बार। सबसे पहले क्या है, ये अपने को एक रिवर दे रखी है और ये इसका क्या है, वो डेप्थ लाइन है जिस पर, और ये इसका यहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन है, और इसको क्वेश्चन में ये बोला गया ये 30 डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन, ये 30 डिग्री दे रखा है, इट इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और ये वाला अपने को दे रखा है रिवर का वेलोसिटी, ये वाला वाटर वेलोसिटी दे रखा है, वाटर वेलोसिटी जो अपने से दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब अपने से क्या कहा है कि ये जो डेस्टिनेशन वाली लाइन है, अब इसको यहाँ से यहाँ चलना है, तो ये वाली जो लाइन आई है यहाँ से यहाँ, ये एंगल अभी अपन, ये तो 30 डिग्री अपना, इस एंगल को अभी अपन थीटा मान लेते हैं, दिस एंगल इज थीटा, और ये अपने पास ये वेलोसिटी ऑफ अब ये आ गया अपने पास वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट, और ये एंगल अपने को निकालना है, और ये एंगल एक अपने को क्वेश्चन में गिवन है, एक एंगल अपने को क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 120 डिग्री। अब अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, वेक्टर ट्रायंगल बन रहा है ये, तो वेक्टर ट्रायंगल से अपन क्या कर सकते हैं, ये वेक्टर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, लामीज थ्योरम से क्या कर सकते हैं, लामीज थ्योरम से अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लामीज थ्योरम में अपने ने क्या लिखा है,
क्या लिखा जाता है, जैसे ये जो अपने को वेक्टर्स गिवन कर रखे हैं, सबसे पहले क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन इसके सामने वाला एंगल साइन थीटा, एंड वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड इसके सामने वाला एंगल क्या है, साइन 120, एंड थर्ड वन रह जाएगा, जो भी एंगल बचेगा इन दो से अपना काम चल जाएगा एक बार के लिए। इसको क्या कहते थे, कॉन्स्टेंट कहते थे। इसका वैल्यू अपने को गिवन है, कितना गिवन है, 5 गिवन है, इट इज गिवन 5, इट इज गिवन 5। देखिए ये वाला अपने को गिवन किया गया 5। वैल्यूज पुट करेंगे अपन, वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे 5 रखा जाएगा, ये साइन थीटा आएगा, एंड इट इज 5√3। ये क्वेश्चन में अपने को इतना दे रखा है, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को अपन लिखेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब साइन 60 आएगा। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हुआ, और यहाँ क्या आ जाएगा अपना, ये 1/sin θ, क्या वैल्यू बन रही है अभी, ध्यान से देखें, 1/sin θ इज इक्वल्स टू 3/√3/2, 3/2, तो ये अपना क्या आ गया अभी, √3 से √3 आउट हो गया, sin θ विल बी 1/2 और थीटा विल बी 30 डिग्री, थीटा विल बी 30 डिग्री, सो द फाइनल आंसर इज 30 डिग्री। अब अपन ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या कह रखा है अपने को, ऑप्शंस में देखिए, 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू लाइन ऑफ डेस्टिनेशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाली जो लाइन है वो क्या है, ये वो डेस्टिनेशन पॉइंट की लाइन है, इससे अपन ने ये थीटा कितना फाइंड आउट किया है, 30 डिग्री, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1, 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।